बहरान के दौरान डॉक्टर मरीजों को कैसे देखते हैं और इस बीमारी से बचाव के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इस हवाले से डॉक्टर जहांगीर ने दुनिया न्यूज को अपनी सर्जरी में मदद की और अहम मालूमात मुहैया की। तफसीलात बताएंगे शकील सलाम। कोरोना क्या है और किस तरह हमारी जिंदगी को मुतासर कर रहा है, इस सिलसिले में आज मैं डॉक्टर जहांगीर साहब के पास मौजूद हूं, जो हमें बहुत तफसील से बताएंगे कि कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है और जब तक हम अच्छी एहतियात से काम नहीं लेंगे हम इससे आसानी से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमें कोरोना वायरस के हवाले से और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बहुत अहम मालूमात फ्राहम की है। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज तो है कोई ना, कोई दवाई नहीं है, गोली नहीं है, टीका नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो लिहाजा फिर हमने सोचना है कि हम इसके साथ कैसे रहें कि इससे बच के रहें। अब आप ये देखें कि ये वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, गोली नहीं है जिससे हम इसको मारें, और ये कमबख्त वायरस नजर भी नहीं आता लेकिन लग भी जाता है। तो उसकी वजूहत यह है कि अगर एक आदमी को वायरस हो तो दूसरे को लगने का इम्कान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि SOP यानी एहतियाती तदाबीर हमने करनी है। आप देख रहे हैं मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, आप भी ग्लव्स पहने, अगर आपने बाहर जाना है शॉपिंग के लिए ग्लव्स पहन के जाए। और ये मैं आपको दिखाता हूं, ये मास्क है, आप बाहर निकले मास्क पहन के चले जाएं, आपने शॉपिंग करनी है या कहीं कुछ काम करना है, दोस्तों यारों से मिलना है या एक्सरसाइज के लिए जाना है, तो यहां देखें जहां कोई बंदा नहीं है, जैसे पार्क बड़े बड़े पार्क हैं तो वहां पे बेशक आप इनको उतार दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि किसी आदमी के आपने करीब नहीं जाना, हैंडशेक नहीं करना, हेलो नहीं करना, उनको दूर से करें हेलो, जैसे आप और मैं अपने 2 मीटर के फासले पे बैठे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने अपनी ये खिड़की खोल रखी है जिससे हवा आ रही है, और पीछे देखेंगे कि ये दरवाजा भी खुला है। तो ये है कि इस कमरे की आबो हवा देखें तो एक तरफ से हवा आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है, यानी हमें एक दूसरे से अब डर नहीं है, हम करीब 2-2 मीटर के ऊपर बैठे हैं लेकिन फिर भी हवा का एक तरफ से आना है दूसरी तरफ से जाना। लॉकडाउन में हालिया नरमी का फायदा उठाते हुए हमें वर्जिश के लिए बाहर जाना चाहिए ताकि हम अपनी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर बना सकें और इस बीमारी का मुकाबला कर सकें। ये बीमारी उन लोगों को लगती है जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाए, तो इसलिए एक्सरसाइज जो है ये कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, और अगर एक आध वायरस आपके अंदर चला भी गया तो वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको तो पहुंच लेता है, वो मर जाता है, लेकिन अगर वायरस बहुत ज्यादा अंदर चला जाए तो फिर कुव्वत मुदाफियत जो है अगर आपकी कमजोर है तो आप पे हमला करेगा। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है लिहाजा इसका मुकाबला हमें करना होगा, इसकी मिसाल देते हुए डॉक्टर जहांगीर ने कहा, या बयाबान इलाके में सैर कर रहे हैं और सामने से आपको शेर नजर आ गया, अब आपके लिए 2 तरीके हैं, या तो शेर से लड़ लें, आपके पास तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, कोई डंडा भी नहीं है और शेर सामने आ गया, अब आपके और शेर के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो फिर आप ही जाने कौन जीतेगा, लिहाजा शेर के करीब हमने जाना नहीं है, अगर नजर आ गया तो दरख्त पे चढ़ जाएं, भाग जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, उससे आपने हेलो नहीं करना, उसके नजदीक नहीं जाना, उससे अलग रहना है। अपने पैगाम में डॉक्टर जहांगीर ने कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन एहतियाती तदाबीर जिसे हम SOPs कहते हैं उसके साथ आपने रहना है, और आदत बना लें अपनी, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं आपके बाहर निकलते हैं उनको भी ये कहें बेटा ख्याल करना आपने, और बच्चों से जाके तो कुश्ती नहीं लड़नी है, खेलना नहीं है, अलग रहना है, और होपफुली जितना हम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे उतनी हमें ये साइंसदानों से तसल्ली है कि वायरस जो है ये इवेंचुअली अपनी मौत खुद मर जाएगा। डॉक्टर काजी जहांगीर ने दुनिया न्यूज को अपनी सर्जरी में दावत दी और कोरोना वायरस के बायस अगर उन्हें किसी मरीज को देखना पड़े तो वो कंसल्टेशन रूम में उन्हें देखने के लिए किस किस्म की हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखते हैं इसके बारे में उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि हर मरीज को देखने के बाद वो नए ग्लव्स, मास्क
और पीपीई का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के फौरन बाद वो उसे मखसूस बिन में फेंक देते हैं। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ शकील सलाम, दुनिया न्यूज, ब्लैकबर्न।